भाई हम आ गए थे पैराग्लाइडिंग की टेक ऑफ जगह पे। ये जगह जी यहाँ से करवाते हैं जी टेक ऑफ। ये आपके सामने जो ग्लाइडर्स ने पैराशूट ये पड़े हुए, ये तकरीबन आप कह लें सरांग जगह है। पीर चनासी से 5 किलोमीटर पहले एक जगह थी सरांग, ये वहाँ पे उनका ना एक टेक ऑफ ये पॉइंट है। यहाँ पे इधर से ये करवाएंगे टेक ऑफ और सीधा मुजफ्फराबाद एयरपोर्ट पर ना ये लैंड करेंगे। चल भाई, काफ़ी देर से प्लान तो था ये पैराग्लाइडिंग करनी है। लेट्स, आज आ ही गए हैं तो आज करके जाएंगे। और काफ़ी प्रोफेशनल क्लब है ये, दुबई वगैरह इंटरनेशनल भी है, एक एक्टिविटीज़ अपनी करते हैं तो उस तरह का इशू नहीं है। बस मेन चीज़ ये है कि आप जो फील है ना वो आपने इन्जॉय करनी है, जो जिसे कहते हैं ना कि जो एक्चुअल जो फील है फ़्लाइट की जो पैराग्लाइडिंग में आपको मिलती है, ये इजीली मिल जाती है ना। स्काई डाइविंग इतनी ईजी नहीं करना, ये लोकली अवेलेबल भी। तो भी एडवेंचर तो यही चीज़ है, छोटे मोटे एडवेंचर तो बहुत हो गए थे। मैंने कहा चलें जाके एडवेंचर की माँ बहन को एक करते हैं, ये पैराग्लाइडिंग है ना इसको थोड़ा सा करते हैं। क्योंकि नॉर्मल जो पैराग्लाइडिंग है ना ये खानपुर वगैरह में, वो तो बहुत छोटी सी फ्लाइट होती है 40 सेकंड की, ये मिनिमम 20 to 25 मिनट्स की है लैंडिंग तक। अच्छा, ये इंस्ट्रक्टर से दो, ये मेरे ख्याल से ये गाइड भी करेंगे साथ, कंपनी भी करेंगे एट अ टेंडम फ्लाइट। दो बंदे हैं ये जा रहे हैं। और सर कैसे हैं, आपने पहले की हुई है? फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं? मेरे ख्याल से प्रोफेशनल करवा ही लेंगे, इतना इशू नहीं है, रोज का काम है इन लोगों का। तो ये भी कोई ट्रेनिंग वगैरह दी है कि बस वैसे ही? उन्होंने ब्रीफ किया है हमें कि हमें रन कैसे करना है, फिर जब फ्लाई हो जाएगा फिर उसके बाद लैंडिंग के लिए क्या करना है, वो सारी चीजें बताएंगे। अभी भैया एक जना बड़ा एक भयानक सा इंसिडेंट हुआ है। एक बंदे ने यहाँ से टेक ऑफ किया हमसे पहले, लेकिन उसका एक्सीडेंट हुआ है। पता नहीं हवा का मसला था क्या था, लेकिन उसका पैराशूट आगे से गिरा है, वो भी रोल ओवर होकर ना नीचे गिरा। अब देखते हैं वापस आते हैं तो क्या चोट लगी नहीं लगी, लेकिन ये है कि इट कुड बी डेंजरस। मुझे पहले कह रहे थे टेक ऑफ ज़रा मुश्किल है, टेक ऑफ इतना आसान नहीं है, तो टेक ऑफ पर थोड़ा सा ना देखना पड़ेगा अभी क्या करना है। हाँ भाई, करनी है फिर ग्लाइडिंग ब्रो? बड़े शौक से आप आए थे, आपने ग्लाइडिंग करनी, करेंगे? बिल्कुल। आप क्यों डायरेक्टर से लग रहे हैं? यार मज़ा आएगा ग्लाइडिंग में, कोई मसला तो नहीं है? क्यों भी मज़ा तो आएगा, लेकिन ये ना, हाँ वैसे ट्रिकी है थोड़ी सी ना, लेकिन इतना इशू नहीं है, ये बड़ी एक कॉमन स्पोर्ट है यार, इट इज़ अ कॉमन स्पोर्ट, मुझे लगता है कोई इशू होगा। अब हम अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, जैसे बारी आती है ना फिर देखते हैं। हाँ भाई, गेटिंग रेडी। और ये सारी तैयारी है इसकी, इतना आसान नहीं है जो लगता है पैराग्लाइडिंग के बारे में, लेकिन ये है कि इसको आसान बनाना पड़ता है। आपने अपने आप को पैनिक नहीं करवाना, पैनिक नहीं करना, और तरीके से जो है ना जो आपका इंस्ट्रक्टर पायलट कहेगा आपने करना है। लेट्स सी, देखें क्या होता है। आप में इस तरह का ग्रुप लाजमी लेके हैं ताकि आपकी जो मेमोरीज हैं आपके साथ है। ये खुद भी देते हैं भाई आपको? हाँ, इनके पास भी होता है, अगर अपना नहीं भी है तो इनके पास है। बेटा ब्लास्ट होना तो शुरू होती है वैसे, क्योंकि जब आप एक आधा इंसिडेंट देखते हैं ना। चले जो भी है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा आपको ना दिल बाहर आता है। यार वैसे इनमें होता क्या है, ये जो बैकपैक है, क्या इनमें बैकपैक में है क्या? इसमें इनमें बैक प्रोटेक्शन होती है आपकी, ये एयर प्रोटेक्शन है, इसमें हवा भर जाती है अगर नीचे आके। आप इतना आसान नहीं है, पैनिक बंदा करता है टेक ऑफ से पहले भी करता है। क्यों भाई, आप तो पैनिक कर रहे होंगे ना अभी? जिप लाइन वाली फील आ रही है। जिप लाइन, चलिए इसके बाद हम जिप लाइन भी करेंगे, लेकिन वो शायद इससे इजी होगी। आप ये मेक श्योर करें कि आप गेंद के 5 कदम लेंगे, बस मैं आपसे ये चाहता हूँ। हाँ जी, फीलिंग्स बेटा पता लगेगा हवा में जाके, पल्पिटेशन, ऊपर जाके पैराशूट आपका हिल गया ना एक दफा, फिर आप नीचे आना अपने। Yeah!
टेक ऑफ बहुत प्रॉपर हो चुका है। अब जो है ना अल्लाह करे इंशाल्लाह लैंड करेंगे। सका लेकिन मैं गिर गया हूँ। कोई लैंडिंग हो तो गई है लेकिन बस वो जो भागना था ना मैं भाग नहीं सका, थोड़ा गिर गया हूँ। लेकिन बहुत ही सेफ लैंडिंग थी, बहुत ही एक एक्सीलेंट सी टेक ऑफ थी और लैंडिंग भी बहुत क्लास थी। वो जो चस्ट थी ना वो पूरी हो गई आज की पैराग्लाइडिंग की। और जो हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आपका कितना अच्छा सेफ और सॉफ्ट किस्म का और प्रोफेशनल टेक ऑफ हुआ, ये बताएं। टेक ऑफ जरा ट्रिकी होता है लेकिन यह पायलट उसके ऊपर अगर आप वर्कआउट करेंगे ना, उसको फॉलो करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इतना ऑसम टेक ऑफ था और जो हवा की फील थी ना उसके ऊपर, वो बड़ी आउट क्लास थी। और उसके बाद जो लैंडिंग है जो पूरी की पूरी, आई थिंक हमने 20 मिनट लिए, कितने मिनट लिए हमने? 20 से 25 मिनट फ्लाइट की है। और मेरा तो फिर दिल कर रहा है कि दोबारा शायद ऊपर चला जाए लेकिन शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो भी था ना, ये स्काई हॉक के क्लब है इस्लामाबाद का जो भी ये करवाते हैं, तो मेरी तरफ से भी पूरे 100 में से 100 नंबर है। फाइनली भी ये तो हो गया पैराग्लाइडिंग जो करने आए थे, क्योंकि एक दो लोगों के ना एक्सीडेंट भी हुए थे मेरे से पहले, लेकिन वो थोड़ी सी फील आ रही थी। लेकिन वो ये है कि जब आपको इंस्ट्रक्टर ने कुछ कहा है ना, आपने उसको फॉलो करना है और आपने उसके ऊपर पूरा का पूरा है वैसे कैसे एक्ट करेंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छी फ्लाइट होगी। चलिए भाई, ये एडवेंचर रहता था इसकी तो हमने माँ बहन एक कर दी, इसके बाद दूसरा कोई देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। हमने वापसी भी निकलना क्योंकि अभी मुजफ्फराबाद में हमने इस्लामाबाद वापस भी जाने का भी टाइम भी लगेगा। चलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिए।